आजकल के बच्चे नशे वशे के चक्कर में बहुत बिगड़ रहे हैं और मैं नशे का बड़ा विरोधी हूँ और इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी मैंने नाराजगी प्रकट की थी पुलिस से भी, अभी यहाँ पर टीआई नए टीआई साहब आ गए क्या? कौन है? अच्छा है सियाराम जी गुर्जर, ध्यान रखना जरा, ये नशा वशा करने वाले लोगों को उल्टा लटका देना। कोई भी यहाँ पर नशा पहना बताइए मुझे, नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान हमारी माता बहनें होती है। नशा कर लेते हैं लोग, बेटियों को छेड़ते हैं। अभी हमने कन्या पूजन किया, मेरा तो दिल पसीज जाता है कभी कभी, कितना मनुष्य गिर गया, उनकी इंसानियत कहाँ चली गई। मेरा तो ऐसा गुस्सा आता है कि ऐसे लोगों को पकड़ के गला दबा देना चाहिए जो देवियों को इस प्रकार के कृत्य करें छोटी बेटियों के साथ। बहुत ही समाज में बहुत विकृति आ रही है और इस विकृति को बचा सकती है धार्मिक गतिविधियां। अभी नवरात्रि आ रही है, अपने मोहल्ले की सारी बेटियों का कन्या पूजन करो, उनके प्रति श्रद्धा की दृष्टि से देखो। हमारे यहाँ भारत के अंदर बेटियों को, माताओं को, बहनों को देवी स्वरूप माना। कल मेरे पास कुछ महिलाएं आई, बोले एक बेटी बहुत कम कपड़े पहन के घूम रही है, शहर की बदनामी हो रही है। मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने कहा, मैंने कभी इंदौर में ऐसा नहीं चलेगा कि कोई भी कैसे भी कपड़े पहन के निकल जाए, एकदम छोटे छोटे कपड़े पहन के बाजार में घूम रही है। ये शहर माता अहिल्या की नगरी है, या महिलाओं की मर्यादा भंग होते हुए कोई देख सकता है क्या? देखना चाहिए क्या? माताओं बहने आप बताइए। धन्यता हुई कि उस बेटी ने बाद में माफ़ी मांगी कि मैं बहुत ग्लानि में हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, नहीं तो इस प्रकार ये इंदौर शहर को हम बिगड़ने नहीं देंगे। हम सब मिलकर यहाँ के बच्चों का भविष्य बनाएंगे, यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ें उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जो आपके यहाँ बच्चे गरीब हैं और पढ़ने में तेज हैं, उन बच्चों को आप आकाश जी के पास भेजना। आकाश जी ऐसे बच्चों की फीस भी भरते हैं और ऐसे बच्चों को आगे भी बढ़ाते हैं, और इसलिए गरीब बच्चे अच्छे शिक्षित हो ये हमारा प्रयास रहता है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, एक ही आग्रह करता हूँ, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, बताइए भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो राम मंदिर बनता क्या? ऐसी पार्टी के सबको सदस्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो सब बने और बनाए, ये आपसे निवेदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। माताओं बहनों ने मेरे